भाईजान शदाद अहमद नए ब्लॉग के साथ आज को आपको फिर नगीना मार्केट का विजिट कराने लगा भाईजान मैं ये आपको मैं नए भाईजान से मुलाकात कराने लगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमीन। ये हम मोहम्मद अमीन साहब के पास आए, इनके पास कोई वैरायटी देखने लगे हम, इनके पास ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मोहम्मद अमीन भाई के पास देखें ज़रा। अमीन भाई को क्या चीज़ें दिखाएंगे आज हमें? ठीक हो गया। ये ईरानी फिरोजा जी देखिए जी, ईरानी फिरोजा जी माशाल्लाह। अच्छा बहुत, इसका क्या रेट होगा? ये है 250 रुपये ग्राम। ये 250 रुपये ग्राम है जी, 250 रुपये ग्राम फिरोजा। ये देखिए जी माशाल्लाह। इसके बाद फिर कुछ और वैरायटी आ जाती है। इसके पास क्या आ जाएगा दिखाएं जरा? मुए नजब, ये बालों वाला होता है। अच्छा मुए नजब, नजब मुए नजब, मुए नजब जी, कहते बालों को। अच्छा अच्छा मुए नजब, ये बालों वाले दाने होते हैं जिसके। कुछ लोग तो इनको कहते हैं हजरत अली के बाल, लेकिन हम ही कहते हैं नहीं झूठ है, क्योंकि सहाबा ने कभी भी ना शेव की है ना दाढ़ी काटी है। अच्छा ये ऐसे बातें हैं बस, हम इन पे बिलीव नहीं करते। ठीक हो गया। ये बोले देखिए जी, इसके बाल होते हैं जबरदस्त, चांद जैसा पत्थर दूरे नजब। ये देखिए जरा, इसको ये कहते हैं, ये देखिए इस चांद जैसा बिल्कुल पत्थर जो ये देख रहे हैं, इसका नाम है मूनस्टोन। जैसे चांद मूनस्टोन, हाँ बादल और धुआं सा होता है, ये सेम वही चीज दूरे नजब है। ये तो ये बिल्कुल वैसे ही साफ होते हैं जैसे चांद में रात को धुआं और बादल नजर। माशाल्लाह जबरदस्त, ये बिल्कुल वैसे ही होते हैं, इसीलिए इसको मूनस्टोन कहते हैं। अच्छा इसका क्या रेट होगा? ये 10 रुपये कैरेट होता है। 10 रुपये कैरेट, ज़बरदस्त, यानी कि मुनासिब भी प्राइस इसकी। बड़ा मुनासिब सा रेट है, असल में ये होलसेल की मार्केट है, यहाँ रेट कम होता है। अच्छा ये फिर जब दुकानदार हमसे लेके जाते हैं तो फिर वो कमाई करते हैं। असल में होलसेल, बाकी होलसेल मार्केट है, बाकी सही बात है, होलसेल मार्केट है। बिल्कुल असली वाले। अच्छा ईरानी सुलेमानी, ये सुलेमानी है कि असली वाले, बड़ी खूबसूरत चीज़ें। ये देखिए माशाल्लाह, देखिए जी ये बिल्कुल नेचुरल होती है। सुलेमानी हकीक, सुलेमानी हकीक और ईरानी है, साथ में ईरानी भी है। ईरानी भी जबरदस्त है, बड़े अच्छे खूबसूरत हकीक है, जबरदस्त है माशाल्लाह। इसका क्या रेट होगा? ये 100 रुपये ग्राम होता है, 20 रुपये कैरेट। ये 20 रुपये कैरेट और 100 रुपये ग्राम, ये वाला देखिए माशाल्लाह। इससे जरा अच्छी क्वालिटी आ जाए तो वो फिर जी। हाँ जी ये बस नॉर्मल सी क्वालिटी वाला होता है। अच्छा नॉर्मल क्वालिटी वाला है। इंडियन क्या कहते हैं इसको? इंडियन, इंडियन ये रूबी है और ये इंडियन नीलम। अच्छा ये इंडियन नीलम है और वो इंडियन रूबी है। ये असल में इसको क्रूल, इसका नाम है क्रूल। क्रूल ये 10 से 15 रुपये कैरेट वाला माल होता है। अच्छा ये 10, ये हल्के वाला माल होता है, बहुत हल्का सा माल है, इसलिए रेट भी बहुत कम होता है। अच्छा इस हिसाब से देखिए इसका रेट भी कहते कम है जी। देखिए ये वाला सही, और इसमें थोड़ा। अच्छा इसके अलावा ये वाला कौन सा है? ये दिखाएगा जरकन है। अच्छा ये मतलब मुख्तलिफ कलर होते हैं। अच्छा सुरल होता है, चमक दमक बेहतरीन होते हैं। ये जरकन है जी, देखें माशाल्लाह जबरदस्त जरकन। जरकन का क्या रेट होता है? ये भी कम होते हैं, मतलब 8-10 रुपये कैरेट चलता है बस। कैरेट चलता है। अच्छा अच्छा ज़्यादा महंगा नहीं होता, जबरदस्त खूबसूरत बहुत ज़्यादा, इसकी रोशनी ज़रा ज़्यादा होती है, चमक इसमें बाकी है। इसके बाद ये भी जरा अंदर बड़ी चीज़ें होती हैं, ये खास चीज़ें ये महंगी होती है, कास्टली है फिर। ये खास चीज़ें देखिए जी अंदर जो बड़ी माशाल्लाह। ये ओपल है सारा, ये सारा ओपल, ये ओपल देखिए जी सारा माशाल्लाह। ये देखिए जी माशाल्लाह जी जबरदस्त। अच्छा ये ओपल का क्या रेट होगा? 500 रुपये कैरेट है, 600 रुपये कैरेट, 500 रुपये कैरेट। ये वाला ये ओपल देखिए 500 रुपये कैरेट, जबरदस्त है माशाल्लाह। अच्छा ये है किधर का? ये ओपल, ये एथियोपियन है। एथियोपियन, ये ओपल जो कह रहे हैं एथियोपियन है ये वाला जी। ये एथियोपियन ओपल होता है और ये रेट भी इसका भी मुनासिब सा होता है। इससे भी अच्छी चीज़ ज़्यादा फायर वाला आ जाए तो वो फिर 800 रुपये कैरेट। अफ्रीकन, हाँ ये देखे जी, ये अफ्रीकन नीलम देखे जी माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देखिए अफ्रीकन नीलम, ये देखो जी जबरदस्त। इसका क्या रेट होगा? ये 200 रुपये कैरेट वाला माल, ये 200 रुपये कैरेट वाला माल है, ये जो सबसे कम जो प्राइस है हालांकि। हाँ हाँ ये 200 रुपये कैरेट अफ्रीकन नीलम है। ये होलसेल की मार्केट है इसलिए रेट, ये दुकानदारों के पास जाके यही फिर 800 रुपये बिकता है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये अफ्रीकन रूबी देखें जी, याकूत और रूबी एक चीज़ के दो नाम। याकूत और रूबी एक चीज़ के दो नाम कह रहे हैं ये वाले। ये देखिए अफ्रीकन रूबी, ये अफ्रीकन रूबी, इसका क्या रेट होता है तकरीबन? ये भी 200 रुपये कह रहे हैं। ये भी 200 रुपये कैरेट, ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये लीजिए मरजान के बारे में, ये भी बिल्कुल नेचुरल, ये मरजान है जी, देखिए माशाल्लाह, ये बिल्कुल नेचुरल मरजान, ज़बरदस्त ये मरजान। अच्छा ये कहाँ का होता है मरजान? असल में समंदर से निकलता है, इंडिया अच्छा? से या ऑस्ट्रेलिया से, मुख्तलिफ जगहों से। अच्छा ये समंदर से निकलता है, कहते हैं मुख्तलिफ जगह से, इंडिया ऑस्ट्रेलिया मुख्तलिफ जहाँ से ये निकले, ये समंदर से निकलता है। ये क्लीन हो जाए उतना महंगा हो जाता है। अच्छा ये 400 रुपये कैरेट, ये 400 रुपये कैरेट, ये 400 रुपये कैरेट बता रहे वजन जी जी, ये 400 रुपये कैरेट। ये है जैम्बिया का जमुरद, ये जैम्बिया का जी। अच्छा। हाँ एक होता है स्वाद, वो कॉस्टली महंगा होता है। अच्छा ये जैम्बिया का जमुरद, ये नेचुरल है थोड़ा सा, उससे रेट में कम होता है। ये जैम्बिया का जमुरद दिखी, ये 600 रुपये कैरेट, ये 600 रुपये कैरेट, ज़बरदस्त जी माशाल्लाह, ये बिल्कुल नेचुरल होता है। जैम्बिया, आ गया जी ब्लैक ओपल, पहले व्हाइट वाले दिखाए थे। अच्छा ये ब्लैक ओपल आ गया जी, ब्लैक ओपल, ब्लैक ओपल जी माशाल्लाह ज़बरदस्त, ये ब्लैक ओपल चेक करें जी, ज़बरदस्त। ये भी एथियोपियन है। अच्छा ये भी एथियोपियन है, अच्छा ये भी सारा एथियोपियन है, एथियोपियन है जी ये सारा, ब्लैक ओपल एथियोपियन, ज़बरदस्त जी ब्लैक ओपल। ये 600 रुपये कैरेट वाला। अच्छा ये 600 रुपये कैरेट देखिए जी बता रही हैं एथियोपियन, ये ज़बरदस्त जी। ईरानी हकीक है ये, ब्लैक शेड पे। अच्छा ये ईरानी हकीक देखें जी, ब्लैक शेड बिल्कुल नेचुरल होता है, ब्लैक शेड में ज़रा कम मिलते हैं, ब्राउन में तो आम। हाँ ये ब्लैक शेड में वाकई कम मिलते हैं ईरानी हकीक। इसका क्या रेट होगा? ये 200 रुपये ग्राम होता है, ये 200 रुपये ग्राम होता जी, ज़बरदस्त जी माशाल्लाह ज़बरदस्त। 40 रुपये कैरेट, 40 रुपये कैरेट, 200 रुपये ग्राम। ये वाला बहुत अच्छी हकीक है, ईरानी ब्लैक जो हकीक है, देखिए प्योर ब्लैक जिसे कहते हैं वो, देखिए प्योर ब्लैक, ज़बरदस्त जी। देखिए सारी इनके पास बड़ी वैरायटी पड़ी हुई इनके पास माशाल्लाह, ये देखिए ज़रा, ये देखिए ज़बरदस्त है। कुछ नेचुरल ज़्यादा महंगी वाली चीज़ें हैं, ये मरजान है, ये मरजान देखिए जी, ये वाला ज़बरदस्त, ये 600 रुपये कैरेट वाला। अच्छा ये 600 रुपये कैरेट, ये फिरोज़ा है अच्छा पड़ा हुआ, ये 1000 रुपये ग्राम है, 200 रुपये कैरेट। इसी तरह फिर मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा एड्रेस यहाँ का कोई पूछते तो, ये है जी लोहारी बाग, लोहारी बाग मदीना मार्केट, मदीना मार्केट आलमी चौक। ये बड़ी पुरानी मार्केट है, पाकिस्तान बनने से पहले की ये जोरी मार्केट है। अच्छा फिर ऐसे ही चलते 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 काफ़ी लोग यहाँ बैठते बैठते, मतलब दूसरी तीसरी नस्ल बैठ, अच्छा नस्ल बैठी दूसरी तीसरी नस्ल। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, ये पूरे पाकिस्तान की होल सेल मार्केट है, बड़ी मार्केट निकली यहाँ से लेके जाते सुनहरे वगैरह और भी, यानी कि आपको हर जगह पे आपका माल जाता है जी जी, पूरे पाकिस्तान में जाता है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क से बाहर भी है हमारे, बाहर भी जाता है, ले जाते हैं मस्कत, दुबई, सऊदीया वगैरह, ईरान भी लेके जाते होंगे, ईरान से तो माल खैर काफ़ी आता है, काफ़ी आता है। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, तो बहरहाल पूरे पाकिस्तान में भी जाता है, मुल्क से बाहर भी जाता है। अच्छा आपका फ़ोन नंबर? मेरा फ़ोन नंबर है जी 0321 जी 440 ठीक है 99, ठीक होगा जी। दूसरा व्हाट्सअप वाला नंबर है 0313 ठीक है 44 72 815, ज़बरदस्त। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मोहम्मद अमीन मेरा नाम है, तो फेसबुक पे भी मेरा बना हुआ है, आईडी बनी हुई है, ठीक है, मैं तस्वीरें फेंकता रहता हूँ, ज़बरदस्त जी, तो वहाँ आप अमीन के नाम से सर्च करेंगे तो वो भी। अमीन भाई आपका बहुत शुक्रिया, मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई से नई वीडियो दी। अमीन भाई का बहुत शुक्रिया भाई, अमीन भाई के पास हम आते रहेंगे ताकि इनको आपको नई से नई वीडियो देते रहेंगे। अमीन भाई कहते हैं हमारे पास भाई भी और वरायटी आनी है, जो जो पड़ी मैंने आपको दिखा दी है, ठीक है कहीं। ये फैंसी अंगूठियां, ये फैंसी अंगूठियाँ जो आई हुई है अमीन भाई, वैसे ये भी है ज़बरदस्त है अमीन भाई, बहुत शुक्रिया अमीन भाई आपका।